आप एक नाम अपने रिश्ते को देने का दावत भर रही थी, आप देने का दम भर रही थी, फिर जब आप अपने शौहर को जला रही थी, जब आपने उनकी पिक्चर को जलाया था और जलाने के बाद आपने वो सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो अपलोड की थी, तो उससे ये साफ साफ जाहिर हो गया कि आप अपने शौहर से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती, आप सिर्फ उन्हें लटकाना चाहती हैं। आपका मकसद ही सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर को सोशल मीडिया पर बदनाम करना था, लोगों को उनसे लोगों के मुंह से उनके लिए गालियां निकलवानी थी, उनकी सही बात भी आपको गलत साबित करनी थी, क्योंकि आपका मेन मोटिव भी अपने शौहर को बदनाम करना था। देखिए, वो माना, मैं मानती हूँ कि आपका दिल दुखा है, आपको तकलीफ हुई है, पर क्या आपने झूठ पर अपने, जब आप रिश्ते बना रही थी, जब आपने रिश्तों की तामील कर रही थी, तब आपने ये बात सोची थी कि मैं झूठ पर घर बना रही हूँ, मैं झूठ पर अपना महल बना रही हूँ। तो जाहिर है कि अगर झूठ पर रिश्तों की कोई बुनियाद नहीं होती, ऐसे रिश्ते झूठ पर जो बनाए जाते हैं वो बेबुनियाद होती हैं। आज फिर आपकी एक बात और सामने खुलकर आई है कि आप महाबलेश्वर में क्या कर आई हैं, कौन सा ऐसा राज है आपका जो महाबलेश्वर का सामने आना बाकी है, और आपकी पिक्चर में जो वो राकेश है तो वो कौन है। अब तो आप किसी की बात का जवाब ही नहीं देंगी, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैं एक सवाल का जवाब दे नहीं पाती हूँ, पब्लिक को मेरा दूसरा जो है राज वो पता चल जाता है, जिसे आप बहुत ही बाखूबी के साथ ये कह देती हैं कि सारी बातें जो है वो पहले से ही सोशल मीडिया पर मौजूद थी। माना, सारी बातें पहले से ही सोशल मीडिया पर मौजूद थी, सारी बातें पहले से ही सारे लोगों को पता थी, फिर आप अपने अंदर इतनी शराफत का पर्दा क्यों डाले रहती थी, जिस तरह से आज आप कह रही थी कि मैं दुनिया से अच्छे अमाल करके जाना चाहती हूं। तो यहां पर मेरा आपसे छोटा सा सवाल है कि जब आप दुनिया से अच्छे अमाल लेकर जाने की उम्मीद रख रही हैं, जब आप दुनिया से जाने के बाद अपना नाम रोशन होने की उम्मीद रख रही हैं, तो क्या ये आपके अच्छे अमाल हैं कि आप जाय नमाज पर जूतियां लेकर चलें, आप अपने घर में कुरान मोबाइल पर लगाकर उसके बाद उसकी फातिहा खानी करवाएं, जींस और टॉप पहनकर आप ऑन द स्क्रीन कैमरे के सामने आए, बेपर्दा फिरकर आप कैमरे के सामने आए, जबकि जब औरत बेपर्दा होकर घर से बाहर निकलती है तो फरिश्ते उसके ऊपर लानते भेजते हैं। कभी आपने इस बात को सोचा है? अब आपका जो राज सामने आया है, जो बात आपकी सामने बाहर आई है, तो वो महाबलेश्वर वाली बात सामने आई है। तो देखिए, जिसे जो भी बात पता नहीं थी, जो आपकी दबी बात थी, आपकी एक सिर्फ गलत फहमी से, आपकी ईगो से, आपकी मैं से, आज वो सारी बातें सारे लोगों को पता है। तो मैं उन भाई बहनों से जो ये कहते हैं कि ये सारी बातें झूठ है, जो मैडम जी कहती हैं सारी बातें झूठ है, ये बात बताइए कि अगर 10 बातें होती हैं उसमें से 5 बातें तो सच्ची होती हैं, फिर ये 5 कौन सी सब बातों को सच तस्लीम करेंगी और कौन सी 5 बातों पर ये अपनी गलती मानेंगी? ये तो अपनी एक बात पर भी गलती नहीं मानेंगी। जैसे कि मेहता भाई ने अपने आस्था के खिलाफ, अपने धर्म के खिलाफ इनसे माफ़ी मांगने का वीडियो बनवाया था, पर उनकी बात को भी ये चुटकियों में उड़ा गई, इन्होंने उनकी बात पर भी कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। मेहता भाई ने जो भी इनसे सवाल किया था वो नहीं तो कासिम सत्तानी के बारे में था, नहीं अयूब शेख साहब के बारे में था, वो सिर्फ धर्म के बारे में था। इन्होंने जो गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को दी अर्जुन भगवान के खिलाफ, जो इन्होंने कहा है कि अभिमन्यु, तो अभिमन्यु वो चीज़ जानते थे और अभिमन्यु अर्जुन जी के बेटे थे। तो मेरा इनसे ये सवाल है कि जब इन्हें अब किसी भी बात का जवाब ही नहीं देना है, कोई भी काम इन्हें नहीं करना है, जैसे कि इनके शौहर ने कहा है कि आप सब दुआ करो, हो सकता है कि जब जिस वक्त में इनका निकाह कासिम सत्तानी साहब हुआ था उस वक्त में कासिम सत्तानी साहब जिंदा हों और आज वो हयात ना हो, और ये भी हो सकता है कि वो आज भी हयात हों, क्योंकि लोग उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, लोग उन्हें कैमरे पे लाने की बात कर रहे हैं, उनके रिश्तेदारों से बात हो रही है। अगर उनके 20 रिश्तेदार हैं तो 10 रिश्तेदार तो ऐसे होंगे जो कि इस बात को सुनने के बाद कोई भी अपनी सफाई देना अच्छा ना समझें, पर उसमें से एक रिश्तेदार ऐसा होगा जो ऑन द कैमरा आकर, लाइव आकर इस चीज़ को बताएगा कि कासिम सत्तानी साहब की डेथ कब हुई थी, या कासिम सत्तानी अंकल अगर इस दुनिया में जिंदा हैं तो फिर इनका निकाह किस तरह से जायज़ है।
बताएं आप इतने गू इतने बबाल लिए फिरती हैं, फिर उसके बाद आप अपने अच्छे अमालों की उम्मीद करती हैं। तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि वो अच्छे अमाल किस तरह से होते हैं? वो अच्छे अमाल के नाच गाने के साथ होते हैं? वो अच्छे अमाल दूसरों के धर्म को बुरा कहने के बाद होते हैं? वो अच्छे अमाल दूसरों की बेटियों उसकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करने के बाद होते हैं? आप सबकी भी बेटियाँ हैं, आप सब भी किसी ना किसी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सब भी जो मेरी बहनें सुन रही हैं वो किसी ना किसी की बीबियाँ हैं। क्या आपका धर्म या इस्लाम ये इजाज़त देता है कि अपने शौहर की इतनी ही रुसवाई करो, इतनी ही जिल्लत करो? माना शौहर के अंदर दो कमियां हैं, पर क्या इस्लाम ने इजाज़त दी है या किसी भी धर्म ने इजाज़त दी है? हिंदू धर्म में देख लीजिए, साबित्री अपने शौहर के लिए, अपने पति के लिए यमराज से भी लड़कर उनके प्राण वापस ले आई थी। इसी तरह से देखिए इस्लाम में भी शौहर की बेइज्जती बेहुर्मती को मना फरमाया गया है। और फिर ये अपने राज, ये इतने राज हैं इनके कि उन राजों को जानने के बाद, उन राजों को सुनने के बाद इनकी ही अकल दंग रह जाती है कि ये मेरी बात किस तरह से सामने आई, ये बात मेरी किस तरह से पता चली। आज तक भी किसी को ये बात पता नहीं थी कि इनके फादर का जो है वो मर्डर हुआ है। एक इनकी जरा सारी गलती से कहते हैं नहीं औलाद ही नाम डुबो दे, औलाद ही नाम ऊँचा कर दे। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर ये इस तरह की हरकतें ना करती, जो बात पब्लिक को पता नहीं थी, जिस बात के बारे में पब्लिक जानती नहीं थी, वही बात सबके सामने आई, और जिन राजों पर ये पर्दा डाल चुकी थी, मिट्टी डाल चुकी थी, वही राज सामने आए। आज की आपने क्लिप भी देख ली होगी और मेरी बात भी सुन ली होगी। अगर मेरी इस बात में कोई गलती है तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। जब ये उस इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, और ये भी हो सकता है कि इनका शरा हुआ ही ना हो अयूब शेख साहब के साथ, और ये सिर्फ़ और सिर्फ अयूब शेख साहब के साथ धोखे से इन्होंने शादी की। अयूब शेख साहब के साथ जब इन्होंने शादी की तो बताया कि मेरे पहले वाले शौहर की जो है किडनियाँ फेल हो गई थी। जब उसकी किडनियाँ फेल हो गई तो फिर 2018 तक, फरवरी तक, फिर वो इंसान की वीडियो कैसे ऑन द कैमरा आई? जबकि ये तो 15 साल से अपने आप को बेबा बताती हैं, बेबा बेबा बेबा। जिन बेबाओं से पूछो, उन बेशौहर की औरतों से पूछो जो बेबा बनकर इस समाज में रहने के बाद अपनी बेबाओं वाली ज़िंदगी गुजार रही हैं, जो अपनी औलाद को पालने के लिए कितना स्ट्रगल कर रही हैं, जिन मेरी बहनों के शौहर नहीं हैं, जिनके बेटे नहीं हैं, ये उन बहनों के दिल से पूछो। और आप अपने बच्चों की फिक्र करती हैं जब जबकि आपके बच्चे इस काबिल हो चुके हैं कि वो आपके साथ साथ दो लोगों का और पेट भर दें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी हर एक बात को सच कहती हैं कि आपकी हर एक बात सच हो। आपकी वो बातें खुलकर सामने आ रही हैं मैडम जी, जिनको नहीं इंसान सोच भी नहीं सकता आपकी सूरत देखने के बाद। पर वो कहते हैं ना कि सच कभी छुपता नहीं है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द महावलेश्वर वाला राज भी आपका सामने आने वाला है, क्योंकि आप मेहता भाई से माफ़ी मांगेंगी नहीं। जब आप माफ़ी नहीं मांगेंगी तो आपका राज भी एक न एक दिन सामने आएगा, या फिर उनका चैनल भी आप ऐसे ही बंद करवा देंगी जैसे कि आपने रेहान पुनेकर भाई का चैनल बंद करवाया था। सम्मो भी झूठी है, अयूब शेख भी झूठे हैं, कासिम सत्तानी भी बुरे हैं, जो आवाम आपके लिए बोल रही है वो भी बुरी है। तो मेरा ये सवाल है कि आप ही सच्ची हैं? अल्लाह ने आपको ही सच्चा बनाकर दुनिया में उतारा था, किसी ना किसी बात की बात में तो सच्चाई होगी। सम्मो सिस्टर को आप पहचानने से इनकार करती हैं, पर सम्मो सिस्टर के फादर को आप बखूबी तरह से जाना करती थी। सम्मो सिस्टर को हो सकता है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि सम्मो सिस्टर ही कासिम सत्तानी जी की छोटी बेटी हैं। जिसे पसंद आए वो लाइक करे, नहीं पसंद आए डिसलाइक करे। बैड कमेंट्स करने वालों खुली छूट है, जितने मन चाहे उतने बैड कमेंट्स करो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।